दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल एडी रूट्स में। और जैसे कि आपको थंबनेल से पता लग गया होगा, हम इस वीडियो में आज कंपैरिजन करेंगे रियलमी नार्जो 20 के जी कैम वर्सेस स्टॉक कैमरा के ऊपर। तो सबसे पहले चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि आपको क्या कुछ देखने को मिलता है यहाँ पर रियलमी नार्जो 20 के मेन कैमरा में। तो आप देख सकते हैं स्लो मोशन मोड आपको टाइम लैप्स देखने को मिल जाता है, लेकिन जो दोस्तों स्लो मोशन है उसके लिए आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लाइट की ज़रूरत पड़ेगी और सिंपल में आप उसको नहीं बना सकते हो। पोर्ट्रेट मोड यहाँ पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं वीडियो मोड है, नाइट मोड है। तो मोड्स तो दोस्तों आपको यहाँ पर सारे ही देखने को मिल जाते हैं लगभग। और रही बात यहाँ पर रेजोल्यूशन की, तो 4K तक आप यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आपको मैं जी कैम में दिखा देता हूँ कि किस तरीके की आपको क्वालिटी देखने को मिलेगी कैमरे की। तो भाई कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। और भाई जो अच्छी बात है, 10x जूम आप यहाँ पर कर सकते हो, जो कि आपको स्टॉक कैमरा में देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर लास्ट में बताने वाला हूँ कि क्या कुछ खास यहाँ पर जी कैम में आपको देखने को मिलता है जो स्टॉक कैमरा में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो में आप यहाँ पर 5x तक जूम कर सकते हो, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात आपको देखने को मिल जाती है गूगल में। और भाई बात करें इसमें ऑप्शन की, तो इसमें आपको लेंस वाला ऑप्शन एक देखने को मिल जाता है, जो कि आपको उस पिछले वाले स्टॉक कैमरे में देखने को नहीं मिलेगा। तो लास्ट में आपको बताऊंगा मैं कि आप इसमें कैसे करके अच्छी फोटोज़ निकाल पाओगे गूगल कैम से। और स्लो मोशन की दोस्तों इसमें भी ऑप्शन है, लेकिन अच्छे से काम नहीं करेगा स्लो मोशन। तो बाकी आप स्लो मोशन में दोस्तों यहाँ पर टॉर्च भी ऑन कर सकते हो, ये काफ़ी अच्छी बात है, तो जो आपको स्टॉक कैमरा में यहाँ पर अवेलेबल नहीं मिलता है। तो इसको दोस्तों मैं अभी बंद कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट फीचर इसमें क्या है। तो फीचर दोस्तों इसमें सब कुछ वही है, बस आप इसमें सेल्फी है जो दोस्तों उसमें भी नाइट मोड यूज़ कर सकते हो। तो ये भी दोस्तों बहुत बड़ी यहाँ पर बात है कि सेल्फी और बैक दोनों में आपको नाइट साइट जो ऑप्शन है गूगल कैमरा में वो देखने को मिल जाता है। तो सब कुछ दोस्तों इतना ही है इसमें। और रेजोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ, तो रेजोल्यूशन आप यहाँ पर 4K तक ही मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। और आपको यहाँ पर मोशन वाली जो ऑप्शन देखने को मिलेगी, इसमें आप जब आप कुछ चलती हुई चीज़ की फ़ोटो लोगे तो वो यहाँ पर ये अच्छे से क्लिक करेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू कर। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट साइड में जी कैम से मैंने फ़ोटो क्लिक की है और लेफ्ट साइड में स्टॉक कैमरा से। तो इस फोटो में दोस्तों डायनामिक रेंज आप क्लियरली नोटिस करोगे कि जी कैम की अच्छी निकल कर आई है। तो ये फ़ायदा दोस्तों आपको जी कैम में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट फोटो की दोस्तों अगर मैं बात करूँ, तो इसमें भी दोस्तों डायनामिक रेंज काफ़ी अच्छी यहाँ पर निकल कर आई है जी कैम में। और वैसे जो अगर आप डिश की ओर देखो, तो उसमें जो टेक्सचर है दोस्तों वो भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा जी कैम में। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं ह्यूमन शॉट की यहाँ पर, जो कि मैंने इसी रियलमी नार्जो 20A के ऊपर कैप्चर किए हैं, और देख लेते हैं कि दोनों में आपको क्या डिफरेंस देखने को मिल। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पोर्ट्रेट शॉट दोनों ही सैंपल्स में काफ़ी अच्छे हैं, पर दोस्तों जो गूगल कैम वो यहाँ पर काफ़ी अच्छी क्लियरिटी आपको दे देगा। और जो दोस्तों कपड़ों का रंग है वो भी आप देख सकते हैं कि कितना अच्छे से यहाँ पर आया है। बाकी दोस्तों आपको अगर गूगल कैम की मैं बात करूँ, ये फ़ोटो गूगल कैम से मैंने ली है, तो इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर काफ़ी अच्छा फोकस है, लेकिन बैकग्राउंड में यहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइटिश हो चुकी है। तो अगर आप फोकस करोगे ऑब्जेक्ट पर, तो कुछ ऐसी फ़ोटो आपको देखने को मिलेगी। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि आप यहां पर कैसी वीडियोस यहां पर निकाल सकते हो रियलमी नार्जो 20A के बैक कैमरे से। तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं 1080p पर, और आपको इसमें EIS का दोस्तों सपोर्ट देखने को फ़िलहाल तो नहीं मिलता, आगे अपडेट के थ्रू अगर आएगा तो अलग बात। और क्लियरिटी दोस्तों काफ़ी अच्छी है, इसको फोकस करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, आप देख ही सकते हैं। और अब मैं आपको यहाँ पर सैम्पल दिखाता हूँ जी कैम के, जो 1080p पर मैंने रिकॉर्ड की है। तो जी कैम दोस्तों यहाँ पर काफ़ी अच्छी सैचुरेशन के साथ आपको वीडियो निकाल कर देगा। और जी कैम में दोस्तों मैंने यहाँ पर देखा, इसमें इमेज स्टेबलाइजेशन की ऑप्शन आपको देखने को मिलती है, और फोकस में दोस्तों कोई आपको दिक्कत यहाँ पर नहीं आने वाली है। बात करें दोस्तों स्टॉक कैमरा की, तो स्टॉक कैमरा भी लगभग आपको सेम वीडियो निकाल कर देगा, लेकिन जो दोस्तों क्लियरिटी है वो यहाँ पर हल्की सी बेटर निकल कर आएगी जी कैम में। और फोकस दोस्तों जी कैम थोड़ा अच्छा यहाँ पर कर लेता है वीडियो में। तो भाई चलिए नेक्स्ट आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक कैमरा में दोस्तों वाइटिश आपको फ़ोटो देखने को मिलेगी, उतने ज़्यादा डिटेल्स आपको स्टॉक कैमरा में देखने को नहीं मिलती है। इंडोर की दोस्तों ये बात कर रहा हूँ मैं, तो
तो इंडोर शॉट में जी कैम यहाँ पर विनर डेफिनेटली रहेगा। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पर रियलमी के फ़ोन्स की, तो इसमें आपको क्रोमा बूस्ट के ऑप्शन देखने को मिलती है, जिससे आप इतना डिफरेंस गेन कर सकते हो। और दोस्तों एक और यहाँ पर मैं सैंपल दिखाता हूँ स्टॉक कैमरा से जी कैम। जी कैम में दोस्तों आप देख सकते हैं जो मेरे दोस्तों कपड़े हैं उसमें, यार कलर देखो कितना अच्छा निकल कर आया है। और भाई इसमें भी आप देख सकते हैं जी कैम में जो वाइटनेस है दोस्तों स्टॉक कैमरा में, वो आपको हर फोटो में लगभग देखने को मिलती है, लेकिन जी कैम दोस्तों यहाँ पर क्लोज टू नेचुरल फोटो लेता हुआ नज़र आएगा। इससे भी दोस्तों आप देख सकते हैं जो जी कैम है दोस्तों वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर परफॉर्म कर लेता है और ओरिजिनल कलर आपको यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। ये देख सकते हैं दोस्तों आप, ये मैंने यहाँ पर 5x पे फोटो ली है दोनों ही फोन सॉरी दोस्तों मोड में, जी कैम और स्टॉक कैम में। और ये यहाँ पर जी कैम में आपको 10x की ऑप्शन देखने को मिलती है, जो आपको स्टॉक कैमरा में दोस्तों देखने को नहीं मिलेगी। बात करें दोस्तों सेल्फी की, तो सेल्फी यहाँ पर आपको पता है 8 मेगापिक्सल की है, तो ज़्यादा दोस्तों फ़र्क आने वाला नहीं है। बस स्टॉक कैमरा में थोड़ी वाइटिश सेल्फी आएगी और जी कैमरा जो दोस्तों गूगल कैमरा है वो आपको काफ़ी नेचुरल फ़ोटो यहाँ पर निकाल कर देगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ और सैंपल की, जिसके लिए कि ये वीडियो मैंने बनाई है, वो है नाइट शॉट। तो भाई नाइट शॉट की बात करें तो कुछ अलग ही लेवल आपको देखने को मिलेगा। स्टॉक कैमरा में मेरी बिल्कुल भी शक्ल दिखाई नहीं दे रही है, जहाँ पर जी कैम में आपको नाइट स्केप मोड दोस्तों फ्रंट में देखने को मिलता है, उसकी मदद से आप काफ़ी अच्छी फ़ोटो निकाल सकते हो। बैक कैमरा की दोस्तों बात करें तो डेफिनेटली विनर यहाँ पर जी कैम आपको दिखाई देगा, क्योंकि दोस्तों स्टॉक कैमरा में उतना अच्छा यहाँ पर नाइट मोड यहाँ पर यूज़ नहीं करता है रियलमी नार्जो 20A, और जी कैम आपको काफ़ी अच्छी यहाँ पर फ़ोटो प्रोवाइड करेगा। और यहाँ तो दोस्तों बिल्कुल भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी जी कैम में काफ़ी धुंधली पर क्लियर फ़ोटो यहाँ पर निकाली है, मतलब आप देख सकते हैं कुछ तो दिखाई दे रहा है। तो यही सब कुछ था दोस्तों इसमें, और जी कैम आप डाउनलोड करें जी कैम वर्जन 7.3, और सब्सक्राइब करना दोस्तों, लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा।